परमेश्वर ने इसराइलियों को मिस्र देश की गुलामी में से निकाला और वो लोग लगभग 430 साल से गुलामी में थे। प्रभु को पुकारा और प्रभु ने मूसा को भेजा और उन्हें मिस्र देश की गुलामी में से निकाला। अब जब उन्हें निकाला तो प्रभु ने निकालते समय ही उनसे एक प्रॉमिस किया, उनसे एक वायदा किया। और वो प्रॉमिस और वो वायदा क्या था पता है? वो प्रॉमिस और वायदा ये था कि मैं तुम्हें एक ऐसे देश में लेकर जाने वाला हूं, एक ऐसे वायदे के देश में लेकर जाने वाला हूं, एक ऐसे प्रॉमिस लैंड में लेकर जाने वाला हूं जो प्रॉमिस लैंड बहुत ही खूबसूरत है, जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती है, जो भी वहां पर है वो बेस्ट है। और ये लोग निकले, मगर इनके अविश्वास के कारण, इनकी गलतियों के कारण जो 11 दिन का सफर था वो 40 साल तक उस मरुभूमि में रहे। अब सुनना, अब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि जिस देश में मैं तुम्हें भेज रहा हूं, इससे पहले कि तुम वहां पर जाओ, तुम एक काम करो, हर एक गोत्र में से एक एक व्यक्ति को निकालो और निकाल करके वहां पर जाकर उसका भेद लेने के लिए लोगों को भेजो। हालेलुया, ठीक है। हम लोग सिर्फ 2-3 आयत पढ़ रहे हैं, मगर आपका ध्यान डिस्टर्ब नहीं होने देना, राइट? ध्यान से सुनना, गिनती इसका 13वां अध्याय और इसकी पहली और दूसरी आयत को हम लोग पढ़ेंगे। गिनती इसका 13वां अध्याय, इसकी पहली और दूसरी आयत। हाँ, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इसराइलियों को देता हूँ, हाँ, उसका भेद लेने के लिए, हाँ, पुरुषों को भेज, वे उनके पितरों के प्रति गोत्र के एक एक प्रधान पुरुष हो। हाँ, यहोवा से यह आज्ञा पाकर मूसा ने ऐसे पुरुषों को जो पुरुषों को परान जंगल से भेज दिया। ठीक है, सुनिए। So, बाइबल कहती है कि मूसा ने क्या किया, हर एक गोत्र में से 12 गोत्र थे, 12 गोत्र में से, इसका आवाज तूने बढ़ाया, हर एक गोत्र में से, अरे कम कर ले, हर एक गोत्र में से 12 गोत्र में से एक एक व्यक्ति को चुना, अर्थात 12 लोगों को चुना। और 12 लोगों को चुनने के बाद उन 12 लोगों को कनान देश का भेद लेने के लिए भेजा। और जब कनान देश का भेद लेने के लिए भेजा, ये 12 लोग गए और जाते समय मूसा ने कहा वहां पर क्या क्या देखकर आना पता है, जो जो प्रभु ने प्रॉमिस किया है कि वहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती है क्या, वहां पर क्या फसल लगती है, वहां पर क्या फल लगते हैं, इन सबको तुम वहां पर जाना और जाकर इन सब बातों को चेक करना। और साथ ही साथ इस बात को भी देखना कि वहां पर के लोग कैसे हैं, हट्टे कट्टे हैं या फिर दुबले पतले हैं, और पूरा चेक करके आना कि वहां के लोग है कैसे, कि जब हम इस पर चढ़ाई करें हम प्रॉपर तरीके से हम अपने काम को अंजाम दे सके और उस कनान पर हम जाकर चढ़ाई कर सके। अब ये 12 लोग निकले और 12 लोग जाकर 40 दिन तक वहां पर भेद लेते रहे, देखते रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी देखा कि वहां पर जो अंगूर होते हैं वो इतने, उसके जो गुच्छे होते हैं, अंगूर का जो गुच्छा होता है वो इतना बड़ा था कि उसे उठाने के लिए 2-2 लोग लग रहे थे, इतना आशीषित देश। और सारी चीजों को चेक किया और ये 12 लोग 40 दिन के बाद वापस आए। और 40 दिन के बाद वापस आने के बाद मूसा ने पूछा कि बताओ वहां पर सब कुछ कैसा था। अब ये लोग वहां की तारीफ करने लगे और तारीफ कर कर क्या कहते हैं बताए कि प्रभु ने जैसा कहा था वहां पर दूध और मधु की धाराएं हैं, वहां पर सब कुछ उत्तम है, वहां के फल इतने आशीषित हैं, वो देश बड़ा आशीषित है। मगर खतरे की बात क्या है पता है? वहां पर रहने वाले लोग सारे बड़े शूरवीर और बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अब ये 12 लोग थे, 12 लोगों में से 10 लोग क्या बोलते हैं पता है? सुनो, वो इतने हट्टे कट्टे लोग हैं, वो इतने पहलवान लोग हैं कि हम उन पर चढ़ाई नहीं कर सकते, ये आइडिया ड्रॉप कर देते हैं। और 2 लोग जिनमें से एक का नाम यहोशू था और दूसरे का नाम कालेब था, ये दोनों कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो देश बहुत खूबसूरत है, वो देश बहुत अच्छा है, इवन वहां के लोग जो है वो भी हट्टे कट्टे हैं। मगर कालेब क्या कहता है बताएं?
प्रभु तो आज ही उसे हमारे हाथ में दे देगा। Now listen church, 12 लोग गए थे और 12 में से 10 उस देश की तारीफ तो कर रहे हैं, मगर उनका माइंड क्या है पता है कि जरूर वो देश खूबसूरत है, मगर हम उसे हासिल नहीं कर सकते। इसका कारण क्या था पता है? उन्हें पता था वो देश बहुत खूबसूरत है, मगर उन्हें डाउट था अपने खुदा पर कि हम उन पर चढ़ाई कर पाएंगे कि नहीं। Now listen, ये लोग क्या कर रहे थे पता है? ये वहां के शूरवीरों को देखकर अपनी साधारण आंखों से देख रहे थे कि ये लोग जो है अपने जीवन में शूरवीर है, मगर सेम टाइम पर वो ये भूल गए थे हमारा प्रभु 430 साल की गुलामी में से, हमें उस फिरौन की गुलामी में से कितने आश्चर्य कर्म करके निकाल कर लेकर आया है। आपको पता है ये 10 लोगों के देखने का नजरिया मनुष्यों वाला था। इन 10 लोगों के देखने का नजरिया क्या था पता है? वो शत्रु को देखकर उसकी ताकत को देख रहे थे, मगर यहोशू और कालेब उन लोगों की ताकत देखने के बावजूद भी अपने यहोवा परमेश्वर की ताकत उन्हें याद थी। आप लोग हैं मेरे साथ? आपको बताइए जब 12 लोग गए, मेजोरिटी पीपल क्या बोल रहे हैं पता है? कि वहां पर उसे हासिल करना सही नहीं है या प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और सेम टाइम पर 2 लोग क्या बोल रहे पता है? हाँ, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है, इतना ही नहीं, ये आज पॉसिबल है। आपको पता है मनुष्यों का फेथ भी ऐसे ही है। चर्च में 150 लोग बैठे हुए होंगे, मगर 150 में से सिर्फ अगर परसेंट वाइज अगर निकाला जाए तो शायद हो सकता है 30 लोगों का फेथ ऐसा होगा यहोवा मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, और सेम टाइम पर 120-130 लोगों का फेथ क्या होगा बताए? मेरी समस्या इतनी बड़ी है, नहीं हो सकता। मेरी प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, नहीं हो सकता। रीजन क्या है पता है? इन लोगों के देखने का नजरिया क्या है पता है? ये अपने शत्रु की ताकत को देख रहे हैं, मगर जो ये 2 लोग हैं, ये लोग अपने यहोवा परमेश्वर की ताकत को देख रहे हैं। आपको पता है जब तक आपका देखने का नजरिया नहीं बदला है, तब तक आपके जीवन में आप प्रभु के द्वारा कोई भी ब्रेक थ्रू को नहीं पा सकते। आप लोग हैं मेरे साथ? हालेलुया, हालेलुया। चर्च में सब लोग आए हुए हैं, मगर उन लोगों का नजरिया, जिनका नजरिया बदला हुआ है, उन लोगों के जीवन में आप प्रभु के कार्यों को देखेंगे। मगर जिनका नजरिया नहीं बदला, जिनका फेथ नहीं बदला, जिनकी सोच नहीं बदली, आप उनके जीवन में क्या देखेंगे बताएं? वो सालों से मसीह होंगे, मगर उनके जीवन में कोई बड़े मिरेकल आप नहीं देखेंगे। और सेम टाइम पर वो लोग जो थोड़े समय के भी विश्वासी होंगे, आप उनके जीवन में बड़ी बड़ी बीमारियों को हटते हुए देखेंगे। उसका रीजन क्या है पता है? क्योंकि उनके देखने का नजरिया क्या है पता है? कि प्रभु कुछ भी कर सकता है। ये 10 लोग क्या देख रहे थे बताएं? ये 10 लोग वहां पर, ये 12 लोगों ने वहां पर क्या देखकर आया था बताएं? वो सब कुछ देखकर आया था एक सेम आंखों से। 12 लोग पूरी वही चीजें देख रहे थे। यदि किसी हट्टे कट्टे इंसान को देखा तो 12 लोगों ने देखा। यहां वहां पर दूध और मधु की धारा देखी तो पूरे 12 लोगों ने देखी। सबने सेम चीजें देखी, मगर जब इंटरप्रेट करने की बारी आई पता है, वो इंटरप्रेट करते समय, वो उसका बखान करते समय वो क्या कहते हैं बताएं? 2 लोगों का नजरिया अलग, 10 लोगों का नजरिया अलग। यीशु के पीछे बड़ी भीड़ थी, मगर बाइबल कहती है सिर्फ एक स्त्री के लिए यीशु मसीह क्या बोलते हैं पता है? मेरे अंदर से सामर्थ निकली है। आज सुबह मैं एक बहुत अच्छा बाइबल वर्स पढ़ रहा था, और बाइबल वर्स में क्या लिखा था पता है? यीशु के शरीर से सामर्थ बहती थी। क्लियरली ये वर्ड लिखा हुआ है, यीशु के शरीर से सामर्थ बहती थी। और फिर आगे क्या लिखा हुआ पता है? यीशु मसीह ने वही सामर्थ जो है अपने चेलों को दी। हालेलुया। बाइबल कहती है कि यीशु के शरीर से सामर्थ बहती थी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपके जीवन में यदि आपके फेथ का, आपके सोचने का नजरिया इन 2 लोगों के जैसा नहीं है, आप अपने जीवन में कभी भी प्रभु की आशीषों को नहीं देख सकते। आपको पता है बहुत सारे लोग मसीह में चल रहे हैं, मगर उनकी एक्सपेक्टेशन प्रभु से खत्म हो गई। मुझे किसी ने बहुत अच्छी चीज सिखाई कि जब भी प्रभु से कुछ उम्मीद करो,
छोटी मोटी चीजों की उम्मीद करना ही नहीं। जब प्रभु से उम्मीद करो, ऐसी उम्मीद करो जो प्रभु को, जिसे जिस काम को प्रभु को करने में मजा आए। आप लोग हैं यहां पर, हालेलुया।